सर कोई अल्कोहल मिलने की बात सामने आ रही है सर, क्या है पूरा मामला, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? देखिए बीती रात में रोवर्सगंज कोतवाली पुलिस, हमारी स्वाट सर्विलांस और SOG टीम और आबकारी विभाग की टीम की द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है और बरामदगी हुई है। सूचना मिली थी कि गंगवार गांव में अवैध स्प्रिट को डाइल्यूट करके और वहां से सप्लाई किया जाता है, एक घर में ये काम किए जाने की सूचना मिली थी और इस सूचना पर एक टीम गठित करके वहां भेजा गया। तो वहां पे एक इंद्रजीत तिवारी हैं, उनके घर से ये 560 लीटर स्प्रिट, इंडस्ट्रियल स्प्रिट है, ये बरामद हुआ है। 99 CC ब्लू लाइम अपमिश्रित शराब है, ये बरामद हुई। यूरिया बरामद हुआ है, 300 जो खाली शीशियाँ हैं वो बरामद हुई हैं, 13,000 ढक्कन बरामद हुआ है, एक अदद बाल्टी और मिलाने के लिए मग वगैरह और रंग वगैरह बरामद हुआ है और एक कार भी बरामद हुई है जिसमें कि पेटियों में शराब लदी हुई थी और उसको ले जाने के फिराक में थे। वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम इंद्रजीत कुमार तिवारी, विजय सोनकर उर्फ डब्बल, ये लोहरा का रहने वाला है, अंकित जायसवाल पुत्र जयप्रकाश जायसवाल, ये खटकरिया थाना अरोरा मिर्जापुर का रहने वाला है, और संजीत कुमार तिवारी, ये भी गंगवार का रहने वाला है और इंद्रजीत का भाई है। इसमें जो अंकित है, अंकित पे 20,000 रुपये का इनाम भी था और ये पिछले दिनों जो घोरावल में अपमिश्रित शराब का खुलासा हुआ था उसमें बांसी चल रहा था। विजय सोनकर पहले गैंगस्टर और शराब में बंद हो चुका है और इसके पास से अवैध असलाह भी मिला है। तो इस प्रकार से ये एक अच्छी कामयाबी पुलिस को मिली है और इसमें हम लोगों ने जो टीम काम कर रही थी उसको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया है और हम लोग को इस जनपद में अवैध शराब के चेन के बारे में भी जानकारी मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी अच्छी कार्रवाई होगी खुलासे में।